हमारे बड़े भाई अभिभावक श्री सुमनाक्षर जी सोनी साहब, अन्य सभी डायस पर उपस्थित गणमान श्रेष्ठ जन, आप सभी दूर दूर से आए हुए डेलीगेट, मातृशक्ति, मैं समझता हूँ इस समय भाषण का तो किसी को इंटरेस्ट है नहीं, जगह जगह फोटोग्राफी हो रही है, लेकिन फिर भी जब आदेश है तो मैं दो बातें जरूर करना चाहूँगा। आप जानते हैं कि क्योंकि बाबा साहब के मूवमेंट पे ही सारा कुछ चल रहा है, इसलिए बाबा साहब के मूवमेंट के बारे में मैं थोड़ा जरूर कहना चाहूँगा। अगर बाबा साहब की शिक्षा और उनसे इंस्पिरेशन, यहाँ पर मातृशक्ति बहुत है, बाबा साहब का सिर्फ जीवन संघर्ष अगर अपने आप बच्चों को पढ़ा दें तो मुझे लगता है उससे बड़ा उपकार अपनी जनरेशन पर आप कुछ नहीं करेंगे। बाबा साहब की जीवन संघर्ष की किताब हमने कक्षा 7 में पढ़ी थी और उनकी डिग्रियां देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था। और एक बार मेरी बच्चों ने, दूसरे बच्चों ने जाति के चलते पिटाई भी कर दी थी और मेरे भाई ने इसी के चलते, जब मैं डिप्रेस हो गया तो उन्होंने किताब ला के दे दी जिसका नाम था जीवन संघर्ष। और बाबा साहब का जीवन संघर्ष पढ़ने के बाद मुझमें जो आत्मशक्ति आई, आत्मबल आया कि बाबा साहब बनना तो किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनकी डिग्रियों को देखकर आपको जानकर खुशी होगी कि मैं इस राष्ट्र का नहीं साउथ एशिया का सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड न्यूरोसर्जन हूँ। मुझे लगता है कि वो बाबा साहब की डिग्री देख देख कर मुझे जो इंस्पिरेशन मिला, मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोफेसर तो मैं 2006 में ही हो गया था असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं ब्रेन का सर्जन हूँ और बाबा साहब के इंस्पिरेशन की वजह से ही, मैं आपको बता दूं, आपको खुशी होगी जानकर कि 500 रिसर्च पेपर और बुक चैप्टर, करीब 10 किताबें न्यूरो सर्जरी में मैंने लिखी हैं और ये सब बाबा साहब की प्रेरणा से हुआ है। 10,000 खोपड़ियां ब्रेन के ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड करीब मैंने किए हुए हैं और ऐसे ऑपरेशन किए हुए हैं जो बहुत सारे, जो एम्स जैसे इंस्टीट्यूट ने मना कर दिए, वो भी ऑपरेशन कभी राजकुमार ने मना नहीं किए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब का जो जो मूवमेंट है उसको अगर आगे बढ़ाना है तो बाबा साहब से इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा, उन्हीं को पढ़ना पड़ेगा, उनके दिखाए रास्ते पर चलना पड़ेगा। आप संविधान पर बड़ा गर्व करते हैं, आप जानते हैं कि संविधान आपको एक अनूठी की पुस्तक मिल गई है, लेकिन जैसा कि शास्त्री जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन संविधान को वर्ताव में लाने वाले लोग अगर निष्ठावान हैं, अगर ईमानदार हैं, अगर न्यायशील हैं तो संविधान सफल हो जाएगा। और इसके कंट्रेरी अगर संविधान को प्रयोग में लाने वाले लोग बेईमान हैं, छली हैं, न्यायशील नहीं है, राष्ट्रवादी नहीं है तो कितना भी अच्छा संविधान हो, संविधान फेल हो जाएगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि संविधान में 3 चीजें हैं, संविधान एक निर्जीव किताब है, लेकिन संविधान को अगर जान देनी है तो यहाँ पर जितने भी लिटरेरियन बैठे हैं उनको दोबारा से अपनी कलम उठानी पड़ेगी, जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, लोगों को संगठित करना पड़ेगा, लोगों की ईगो कम करनी पड़ेगी, लोगों के छोटे छोटे संगठनों को जोड़ना पड़ेगा, तभी संविधान संविधान रह पाएगा, वरना संविधान है आल्सो बीन क्वेश्चन्ड इन रिसेंट डेज, ये आपको छुपा नहीं। आखिर संविधान में तो 3 ही चीजें हैं, विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। संविधान के बारे में आप जानते हैं कि संविधान की जो न्याय, जो विधायिका है उसमें क्या हुआ, जब 20 अगस्त 1932 को इस भारत में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने अपना पक्ष रखकर और 20 अगस्त 1932 को जब कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर करवाया था, कम्युनल अवार्ड के बारे में आपको बहुत सारे लोग बताएंगे, कम्युनल अवार्ड का मतलब आप भी 7 करोड़ लोग, जो 7 करोड़ दलित और अप्रेस क्लास के लोग थे उनको एक जो है अल्पसंख्यक की संज्ञा दे दी गई थी, उनके लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड का प्रोविजन था, उनको वेट वोट देने का अलग से प्रोविजन था और उसको देखते हुए देश में क्रांति आ गई। भारत के लोगों ने, पूरा भारत खोपड़ी पर उठा लिया कि अगर दलित और दबे कुचले लोग भी, गुलाम लोग भी अगर अपना सेपरेट पावर पा जाएंगे, अगर अपनी सेपरेट इलेक्ट्रोड पा जाएंगे तो इस देश में गुलामों की कमी हो जाएगी
और मेहनत करने वाले लोगों की कमी हो जाएगी। उसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र चला, बापू ने अनशन किया, पूरे भारत में क्रांति फैल गई और अल्टीमेटली बाबा साहब को पूना पैक्ट पे समझौता करना पड़ा जो सितंबर 32 को हुआ। जब पूना पैक्ट पे समझौता हुआ तो सेपरेट इलेक्ट्रोड जब आपका खत्म हुआ, जब सेपरेट आपका विधायक होता आप ही उसको वोट देते, आप ही का सेपरेट एमपी होता आप ही उसको वोट देते, अगर वो एमपी होता तो पार्लियामेंट और असेंबली में आपकी आवाज दमदार तरीके से करता। लेकिन जब ये रिजर्वेशन में बदल दिया गया, जब इलेक्ट्रोड रिजर्वेशन में बदल दिया गया पूना पैक्ट के थ्रू, तो अब आपका विधायक, आपका एमपी, आपका मंत्री विधानसभा में आपकी बात नहीं करता है, वो पार्टी की बात करता है, वो अपने प्रधान की बात करता है, वो अपने मुखिया की बात करता है, वो अपने सीट की बात करता है, वो अपने भलाई की बात करता है, वो अपने प्रमोशन की बात करता है। और यही हुआ पूना पैक्ट से जो हमको मिला, हमको जो सेपरेट इलेक्ट्रोड मिलना चाहिए था वो मिलना मिलकर पूना पैक्ट मिला, और उसकी वजह से जो समाज गुलाम था उसके नेता भी गुलाम हो गए, और इसीलिए आज होती चली जा रही है। संविधान है बीन क्वेश्चन, पार्लियामेंट है बीन क्वेश्चन, जुडिशरी है बीन क्वेश्चन, एवरीथिंग इज क्वेश्चन नाउएडेज। ये हमको जो मिला इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जब ये कहा था, जब संविधान सभा में मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, जब रियासतें पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, आपको पता होगा 565 रियासतें थी जब ये देश आजाद हुआ, रियासतों को एक खतरा था कि उनकी प्रॉपर्टी चली जाएगी, मुस्लिम लीग को एक खतरा था कि मुस्लिम लीग का अलग पाकिस्तान नहीं बन पाएगा, विंस्टन चर्चिल इनको हवा देता था, अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, और संविधान सभा खतरे में पड़ी थी, और कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा था इस देश का संविधान कैसे बनेगा। जयकर ने तो यह भी कहा कि संविधान सभा की कार्यवाही स्थगित कर दी जाए, तब बाबा साहब ने एक नारा दिया था, 5 पॉइंट में बाबा साहब ने सलूशन निकाला था, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला पॉइंट था कि निरपेक्ष शासन, मूल अधिकार, जो मूल अधिकार आपको मिले हुए, अधिकार तो मिले हुए लेकिन वो इम्प्लीमेंट कभी नहीं हो पाए, तो निरपेक्ष शासन, निरपेक्ष का मतलब अपने हो या पराए सबके लिए न्याय की व्यवस्था थी, क्या वो लागू है? मूल अधिकार जो थे वो कितने हैं कितने नहीं, इसकी समीक्षा आप खुद कर सकते हैं। इसके बाद आपका इकोनॉमिक विकास की परिभाषा थी, और दूसरा जो एजेंडा था कि एकत्र किराए पर चले, आज फिर से जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों, एकत्र किराए पर चलने का संदेश दिया था बाबा साहब ने। और इसके बाद एक उन्होंने कहा था कि केंद्र को मजबूत होना चाहिए, अगर एकता और अखंडता राष्ट्र की रखनी है तो मजबूत केंद्र की स्थापना होनी चाहिए, और इसके बाद उन्होंने कहा था कि पार्टियों के ऊपर राष्ट्र होना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आज की सरकारें, आज की पार्टियां, हो सकता है मेरा भाषण रिकॉर्ड करके कोई किसी को सुना दे, लेकिन मैं खुले मन से आपसे कहना चाहता हूं, मैं शिक्षा भी दूं, अगर मैं नहीं बोलूंगा कोई नहीं बोलेगा तो किसी को तो बोलना पड़ेगा, और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि क्या आज आपके देश में पार्टी के ऊपर राष्ट्र है या राष्ट्र के ऊपर पार्टी है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। और अगर राष्ट्र के ऊपर पार्टीज आ गई हैं तो आपका संविधान खतरे में है, आप खतरे में है, केवल दलित खतरे में नहीं है, पूरा देश खतरे में है, पूरी व्यवस्था खतरे में है। इसलिए जो बाबा साहब ने ऐलान किया था कि हमको दोबारा से एकत्र की राय पर चलना पड़ेगा, तो दोबारा से एकत्र की राय पर आइए। ये जो छोटे छोटे आपने गुट, छोटी छोटी पार्टी, छोटे छोटे मोहल्ले में नेता, छोटे छोटे संगठन, छोटे छोटे व्याख्यान, छोटी छोटे भाषण, छोटी छोटी सभाएं, छोटे छोटे नेता जो आपने इकट्ठा कर रखे हैं, अगर आप साहित्यकार हैं, अगर आप दलित साहित्यकार हैं, अरे सबको आप इकट्ठा करिए और सबको एक बैनर के नीचे लाइए। सरकार चाहे जो भी बने, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे वो रीजनल पार्टी की सरकार हो, जिस दिन आप एकत्र किराए पर चल जाएंगे उस दिन आपकी भाषा और आपकी बोली, जिस तरह 1932 में आपने शक्ति बनाकर दिखाया था, जिस भी अछूतों की आवाज मानी गई थी, अगर वही दोबारा से आपने स्थापित कर दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी की भी सरकार रहेगी तो भी आपकी आवाज बुलंद रहेगी, पार्लियामेंट में भी रहेगी, असेंबली में भी रहेगी, पब्लिक में रहेगी, स्थानों में रहेगी। शिक्षा के स्तर की बात अगर की जाए तो मैं बता दूं कि पिछले दिनों 82 में 62 ऐसे वाइस चांसलर चुन लिए गए
जो रिव्यू नहीं थे, कई तो कोर्ट से सेट कर दिए गए, और ये दोष दिया जाता है कि आरक्षण की वजह से शिक्षा का स्तर गिर गया। अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि 1900 कुछ वाइस चांसलर में मुश्किल से 4 या 5 दलित वाइस चांसलर हैं, मुश्किल से 5 या 6 बैकवर्ड क्लास के वाइस चांसलर हैं, फिर शिक्षा कैसे गिर गई? इस देश में शिक्षा का स्तर कैसे गिर गया? क्या रिजर्वेशन ने गिरा दिया इसको? क्या दलितों ने गिरा दिया? क्या बैकवर्ड क्लास ने गिरा दिया? नहीं प्यारे भाइयों, ये बात वही है कि जब भी कुछ होता है इल्जाम आपके ऊपर लग जाता है। ये अजीब बात है इस देश में कि भाई ये अजीब सी बात है इस देश में कि वो कत्ल भी करते हैं, वो कत्ल भी करते हैं हमें, और हम ही से पूछते हैं कि सही नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसी है। वो कत्ल भी करते हैं और हम ही से पूछते हैं और हमें ही ब्लेम करते हैं। तो आपने देखा कि विधायिका जो है That has been questioned now. विधायिका में आपका रिप्रेजेंटेशन जरूर है, लेकिन वो पार्टी का रिप्रेजेंटेशन है, आपके नेता का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आपकी बात कहने वाले का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और यही कारण है कि हर जगह रिप्रेजेंटेशन कम होता चला जा रहा है। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जुडिशियरी की बात जब कर लें तो हायर जुडिशियरी में एक बात किसी से छुपी नहीं है कि 150 से लेकर 200 खानदान भी ही आज़ादी के बाद से आज दिन तक उस हायर जुडिशियरी में काबिज हैं। उनसे आप न्याय की उम्मीद क्या कर सकते हैं? जहाँ 150-200 घरों में सिकुड़ गया हो, तो दलितों को तो छोड़ दीजिए, सवर्णों को भी वहाँ न्याय मिल पाएगा, ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब बात थोड़ी सी ब्रीफली मैं कार्यपालिका की करता हूँ। कार्यपालिका पर आ जाइए, आपके जो मास्टर बन जाते थे, आपके जो क्लर्क बन जाते थे, आपके जो चपरासी बन जाते थे, आपके जो लेखपाल बन जाते थे, आपके जो कानून वो बन जाते थे, आपके जो बैंक में एम्प्लाई थे उसमें जब रिजर्वेशन मिल जाता था तो आपका जो बच्चा जो व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाकर वो डॉक्टर बना देता था, इंजीनियर बना देता था, IAS बना देता था, अरे रिजर्वेशन कहाँ रह गया? अरे जब बी और सी डी ग्रुप में आउटसोर्सिंग से भर्तियां होने लगी उसमें तो रिजर्वेशन है नहीं। और अगर आपका बच्चे को नौकरी मिल भी गई तो 15,000 रुपए में क्या वो खुद खा लेगा, और क्या वो बच्चे को पढ़ा लेगा, और क्या वो IAS बना लेगा, या वो क्या डॉक्टर बना लेगा, क्या इंजीनियर बना लेगा? आप जागिए, आप दोबारा देखिए, अरे नौकरियां तो रही नहीं जाएंगी जब सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। तो नौकरी को उम्मीद किस बात की? रिजर्वेशन की क्या बात करते हो? आपको पता ही नहीं कि रिजर्वेशन लगभग 0 पर लाकर खड़ा हो गया है। मैं सरकार को ब्लेम नहीं करता, बिल्कुल ब्लेम नहीं करता, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं सरकार का पूरा समर्थक हूँ, लेकिन अगर किसी को ब्लेम करना है तो मैं आप लोगों को ब्लेम करता हूँ कि आपके सामने ही आपका निवाला छीन कर लोग ले जा रहे हैं और आप तमाशीन होकर देख रहे हैं। क्या अब आपके गले में टाई आ चुकी है? अब आपको अवार्ड मिलते जा रहे हैं, अब आपको कुर्सियां मिलती जा रही हैं, इसलिए आप भूल गए कि आपके अधिकार क्या थे, आपकी ड्यूटी क्या थी, आपको करना क्या था, आपका शिक्षा पर क्या क्षेत्र था। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं कहना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है 5 मिनट का टाइम उन्होंने बताया था, 5 मिनट में तो मेरी भूमिका ही बन पाती है। मैं मास्टर हूँ, भाई जहाँ खड़ा हो जाता हूँ वही बोलना ही मेरा काम है। अगर ब्रेन की पर बोलता हूँ तो ब्रेन की सर्जरी पर बोलने लगता हूँ, समाज में बोलता हूँ तो समाज में बोल रहा हूँ। मैं सरकार को ब्लेम नहीं करता, मैं अगर स्क्वायर में किसी को ब्लेम करता हूँ तो आपकी लीडरशिप को ब्लेम करता हूँ, आपको ब्लेम करता हूँ, आपकी शिक्षा को ब्लेम करता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर के विचार न मानने को ब्लेम करता हूँ, बुद्ध के विचार न मानने को ब्लेम करता हूँ। दोबारा से आइए, दोबारा से शिक्षित बन जाइए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए जिस तरह बाबा साहब के पिताजी ने शिक्षा दी थी। एक कमरे में बकरी भी बंधी रहती थी, उसी में बाबा साहब पढ़ते थे, उसी में उनका पूरा परिवार रहता था, गणित महत्व मराठी वो खुद पढ़ाते थे। अरे आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको बाल बढ़ाने की जगह जैसे बाबा साहब के पिताजी ने कहा था कि बेटा बाल मत बढ़ाओ, दिमाग बढ़ाओ, अपने बच्चों को बाल बढ़ाने की बजाय अपने उनको दिमाग बढ़ाने की शिक्षा दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, संगठित होइए, अपने दोबारा से संगठन खड़े करिए, दोबारा से यूनाइट हो जाइए, वरना ये जमीन
आपके पैरों के नीचे से ऐसे खसक जाएगी कि आपको 10 साल बाद पता चलेगा कि आपकी तो जमीन ही खसक गई। आप पढ़े लिखे बनते थे लेकिन आपकी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं रहा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने हमको इतनी देर बर्दाश्त किया, इतनी देर सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, जय भूत। सही बात है। सच कहा डॉक्टर साहब, आपकी सिलेक्शन को सल्यूट है। डॉक्टर साहब सिर्फ ब्रेन के सर्जन नहीं है, ये समाज के भी सर्जन है और बहुत ही तेजस्वी भाषण इन्होंने दिया। मैं समझता हूं और दिमाग समाज का दिमाग बढ़ाने का इन्होंने काम किया अपने भाषण के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ऐसे ही समाज के हक हकूक के लिए, समाज के रिफॉर्म के लिए ऐसे ही डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और